श्याम शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ महाविद्यालय परिवार के सदस्य श्री कृपा शरण जी, हमारे बड़े भाई स्वरूप अभिभावक मार्गदर्शक प्रोफेसर कितेश्वर प्रसाद सर, आज हमारे बीच बड़े वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, श्री सुमन मेहता जी और नरेंद्र सर, सीताराम सर, गंभीर जी, जितेंद्र भाई, रंजीत और तमाम वरिष्ठ पूर्ववर्ती छात्र, हमारे छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और हमारे आगत अतिथिगण, आज इस महाविद्यालय के 80वें स्थापना दिवस पे मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि जिस तरह हमने विगत वर्ष यह प्रयास किया पूरे सभी लोगों के साथ मिलके कि हम इस महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सबके सहयोग के साथ, सन्मति के साथ उन्नति की तरफ ले जाएं। मैं संक्षेप में जिक्र करना चाहूंगा कि पूरे वर्ष देश के महत्वपूर्ण लोगों का यहाँ आगमन हुआ। यदि मैं याद दिलाऊं, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल लखनऊ से पधारे थे, धीरज चौधरी सर स्वर्गीय जिनका आखिरी कार्यक्रम बच्चों के बीच जो बातचीत या अनुभव की जो शेयरिंग हुई थी उनका यहाँ आना हुआ था, धीरज सर का। उसके बाद बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोगों का यहाँ आगमन हुआ और अनेक तरीके की देखी जाए तो गतिविधियाँ यहाँ हुई, जैसे कि पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे और बहुत सारे ऐसे कार्य थे, कला से संबंधित हो, चाहे स्तंभ से संबंधित हो या उसके कई सारे कलात्मक चीज़ों की डिज़ाइन हो, उसमें हमारे छात्रों का, हमारे कर्मचारियों का और हमारे माननीय शिक्षक गण का बहुत ही महती भूमिका रही है विश्वविद्यालय के इस आयोजन में। जो हमारे महाविद्यालय का स्वरूप है, जिसमें अनेकों तिथियों में, अनेक अवसरों पे अलग अलग तरीके से हम कलात्मक प्रस्तुतियां देते रहते हैं, जिसके तहत विशेष रूप से फोटोग्राफी की एग्जीबिशन हुई, छापा कला के चित्रों की प्रदर्शनी हुई, उसके बाद अलग अलग तरीके के पोस्टर कंपटीशन हुए, पेंटिंग कंपटीशन हुए और कुछ देश के महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने हमारे भाग लिया, तरंग प्रतियोगिता में भाग लिया, स्किल इंडिया के लिए नेशनल तक हमारे स्टूडेंट्स गए, वहां से उनको पुरस्कार मिला। इस तरीके से और भी कोच्चि विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण इवेंट में हमारे छात्रों का हस्ताक्षर रहा, यह अपने आप बड़े हर्ष की बात है। इसी क्रम में इस महाविद्यालय के महत्व के बीच में कड़ी को जोड़ते हुए पिछले 1, 2 और 3 जून को इस परिवार ने अपने पूर्ववर्ती छात्रों के साथ मिलके CAC एलुमनी एसोसिएशन बनाया, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट एलुमनी एसोसिएशन। इसके गठन के बाद 1, 2, 3 तारीख को इस महाविद्यालय का पहला पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन करने महामहिम राज्यपाल महोदय आए। अमूमन एलुमनी मीट 3 दिनों की नहीं होती है, लेकिन यह एलुमनी मीट शैक्षणिक रूप के स्वरूप को पकड़े हुए 3 दिनों तक संपन्न हुई, जिसके तहत अनेक महत्वपूर्ण देश के आर्ट क्रिटिक कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल जी आए, विनोद भारद्वाज जी आए और साथ ही साथ हमारे कॉलेज के जुड़े तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आसीन देश के अलग अलग हिस्सों में अपने महत्व के पद को निर्वहन करने वाले लोग, जैन कमल जी, सुमन कुमार जी, विमलेश और न जाने इस प्रकार के कई लोगों ने अपने अपने तरीके से इस विश्वविद्यालय और बाहरी दुनिया से सेतु को बनाने का एक तरीके से प्रयास किया।
और हम आशा करते हैं कि इसकी अगली कड़ी और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये सब छोटी चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने शामिल करने की कोशिश किया है। काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ खेल कूद का वार्षिक आयोजन इस बार हमारे शशि सर के सहयोग से और बाकी माननीय शिक्षकगण के सहयोग से इसी माह 17, 18, 19 तारीख को वार्षिक खेल को आयोजित किया गया। यह लंबे समय से रुका हुआ एक इवेंट था जो हमारे कॉलेज के लिए ज़रूरी था, जिस चीज़ों के लिए हम लोगों ने किया। अब रही बात यह कि महाविद्यालय को महत्वपूर्ण बनाने के लिए मैं यह विश्वास करता हूँ कि यहाँ के छात्र, यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र, शहर के बुद्धिजीवी, जिनका जुटान हम लोग दही चूड़ा के नाम पे, ये दूसरा सत्र था जिसमें हम लोगों ने किया, एक समाज को इस विश्वविद्यालय को और इस महाविद्यालय को जोड़ने की कड़ी में इस शहर के महत्वपूर्ण लोगों को, पत्रकार हों, लेखक हों, रंगकर्मी हों, संस्कृति कर्मी हों, कलाकार हों, संगीतकार हों, उनका जुटान रखा है। यह भी एक मार्ग है कि हमारा महाविद्यालय एक विशेष रूप से लोगों को याद करता है और अपनी सांस्कृतिक जिम्मेदारियों को समझता भी है। मैं आशा करता हूं कि तमाम जो हमारे अभिभावक हैं और ऊर्जावान छात्र हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, मेहनती कर्मचारी हैं, हम सबके साथ मिलके इस महाविद्यालय को समवेत रूप से ऊपर ले जाएं, यही मैं आशा करता हूं। आप सभी इस आयोजन में आए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।